प्रियंका को बहुत ज्यादा शर्म आ गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ दिन पहले मेरे घर में लाइट चली गई थी और आसपास इतना अंधेरा था मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं दीवार से टकरा गई। क्या सच में? जब अक्षिता ने उसकी आंखें देखी तो साफ पता चल रहा था कि प्रियंका झूठ बोल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बात नहीं करना चाहती थी। अक्षिता ने सोचा उसे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। प्रियंका ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, एक महीना हो गया, कहाँ थी तुम? जब प्रियंका ने वो आवाज सुनी वो बहुत ज्यादा घबरा गई, उसकी आंखों में डर दिख रहा था। अक्षिता वो डर देख पा रही थी। प्रियंका के पीछे एक आदमी खड़ा था, वो उसको देख रहा था। प्रियंका, ये लड़की कौन है? मैं नहीं जानती, प्रियंका ने अपना सर नीचे कर लिया और धीरे से कहा। जब अक्षिता ने ये बात सुनी तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई। आखिर प्रियंका अनजान क्यों बन रही है? जैसे कि एकदम से उसकी याददाश्त चली गई हो। अक्षिता ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि 5 साल हो गए थे, वो प्रियंका से मिली भी नहीं थी। हो सकता है प्रियंका उससे दोस्ती ना रखना चाहती हो। ठीक है। उस आदमी ने अक्षिता को ऊपर से नीचे तक देखा, उसने अपना सर हिलाया और प्रियंका को वहां से ले गया। लेकिन तभी अक्षिता ने उसे रोक दिया, रुको। वो आदमी रुका और उसने अक्षिता की तरफ देखा। अक्षिता ने उसको एक स्माइल दी और कहा, इन्होंने मेरा पर्स ढूंढने में मेरी मदद की, क्या मैंने थैंक यू बोल सकती हूँ? उस आदमी का चेहरा थोड़ा फीका हो गया। उसने प्रियंका के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या ऐसा हुआ था? प्रियंका ने अपना सर नीचे कर लिया। उस आदमी ने प्रियंका के कंधे पर अपना हाथ कस के दबा रखा था। उसने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ। उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी और अभी बहुत वक्त था। उसे लग रहा था कि बिना कुछ कहे अक्षिता उन्हें जाने भी नहीं देगी, और वो आदमी बिना किसी मतलब के मुसीबत भी नहीं चाहता था। उस आदमी ने प्रियंका से कहा, जो करना है जल्दी करो। वो आदमी वहां से गया नहीं और वो पीछे खड़ा हुआ था, प्रियंका की तरफ ही देख रहा था, कहीं वो भाग ना जाए। प्रियंका अक्षिता के पास गई। अक्षिता ने उसे देखकर स्माइल दी और कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। उसने अपने पर्स से फ्रूट निकाला और उसके हाथ में दे दिया और उसकी उंगलियां दबाने लगी। प्रियंका एकदम सरप्राइज हो गई, उसे अपने कॉलेज के दिन याद आने लगे। वो लोग कॉलेज के वक्त इस तरह का गेम खेलते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गेम एक दिन उनकी जिंदगी में इतना काम आएगा। अक्षिता ने उसकी उंगलियों पर अपना नंबर लिख दिया था, जिसे प्रियंका ने अच्छे से याद रखा। मैं अब चलती हूँ। प्रियंका ने अपने हाथ में वो फ्रूट कस के पकड़ रखा था, लेकिन उसका हाथ हिल रहा था। उस आदमी ने देखा कि काफी देर से वो लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सब सुन रहा था। उसे लगा कि उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं हो रही जिससे उसे डरना चाहिए। बहुत देर बाद उसने प्रियंका से कहा, चले, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे मेरी वाइफ के साथ कुछ काम है। इतना कहकर उस आदमी ने प्रियंका को खींच लिया। अक्षिता ने देखा कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि जरूर प्रियंका के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और वो प्रियंका के फोन का इंतजार कर रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? अक्षिता को पीछे से आयुष की आवाज आई। जब आयुष अक्षिता के कमरे में गया था, वो कमरा खाली था, इसलिए वो अक्षिता को इधर उधर ढूंढने लगा। जब उसे अक्षिता नहीं दिखी, वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। लेकिन ढूंढते ढूंढते उसे वो मिली तो उसने एक राहत की सांस ली। जब अक्षिता ने आयुष की आवाज सुनी, वो पीछे मुड़ी और उसे देखकर एक स्माइल दी। मैं बस कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए मैं घूमने आ गई। आयुष ने उसको कुछ नहीं कहा। हम पहले घर चलते हैं, तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम जहां कहोगी मैं वहां ले चलूंगा। तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि तुम अभी इतनी ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें घर जाकर आराम करने की जरूरत है, समझे? अक्षिता ने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ मम्मी। ये सुनकर आयुष थोड़ा चौंक गया, लेकिन बाद में जोर जोर से हंसने लगा। आयुष ने अपने हाथ फैलाए और अक्षिता को गले लगा लिया। उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर घर चले गए। जब अक्षिता घर पहुंची तो उसने देखा कि अर्पित गेट पर ही उनका इंतजार कर रहा था। जब अर्पित ने देखा कि उसके पापा आ गए हैं, वो भागकर अक्षिता के पास गया। ध्यान से मम्मी, मैं आपकी मदद करता हूँ। कोई बात नहीं अर्पित, मैं अब ठीक हूँ। नहीं, अर्पित एकदम सीरियस था, वो बिल्कुल आयुष की तरह ही लग रहा था। डैडी ने मुझसे कहा था कि आपके पैर में चोट लगी है, इसलिए आप ज्यादा चल भी नहीं सकती, और आप हॉस्पिटल में घूम रही थी। अक्षिता चौंक गई। उसने आयुष की तरफ देखा और सोचा कि आखिर आयुष ने ये सब बातें अर्पित को कब बताई। आयुष ने अपना हाथ अपने सीने पर रख रखा था और अक्षिता को देखकर हंस रहा था। अक्षिता को यूं दुखी देखकर आयुष ने अर्पित के सर पर अपना हाथ रखा और कहा, अर्पित कितना अच्छा बेटा है। आयुष की माँ बाहर आ गई, उन्होंने अक्षिता को अच्छे से वेलकम किया। अक्षिता, क्या तुम्हारा पैर ठीक है? जब वो अक्षिता को देखती थी, उन्हें वो रात याद आ जाती थी जब अक्षिता के पैर से खून बह रहा था। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। अक्षिता ने देखा कि आयुष की माँ उसकी कितनी चिंता कर रही थी। ध्यान रखना। अरे आराम से, ज्यादा चलना फिरना मत, ठीक है? आयुष की माँ ने एक राहत की सांस ली कि अब अक्षिता को अच्छा खाना खिलाकर वापस पहले जैसा कर देंगे। तभी उन्हें कुछ याद आया। वो अक्षिता के पास गई और उसने कहा, दादी माँ अंदर ही हैं और वो तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। अक्षिता ने उनकी बात सुनी और अपना सर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि दादी क्या कहने वाली हैं। उसे आखिरी बात याद है कि वो अर्पित को छोड़ने की बात कर रही थी। ये सोचकर अक्षिता की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। अगर वो दादी घर छोड़ने को कहेंगे तो मैं अर्पित को अपने साथ ले जाऊंगी, वो अर्पित को वापस दुखी नहीं करना चाहती। आयुष देख रहा था कि अक्षिता इस वक्त क्या सोच रही है। वो अक्षिता के पास गया और उसने अक्षिता का हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ आयुष, चाहे कुछ भी हो, आयुष हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। अक्षिता घर के अंदर गई
बूढ़ी दादी सोफे पर बैठी हुई थी और अक्षिता का इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने अक्षिता को देखा तो उन्होंने अपना चेहरा एकदम सीरियस कर लिया। उन्होंने देखा कि अक्षिता उनके पास आ रही है। दादी माँ, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं? दादी माँ बहुत उदास लग रही थी, जैसे कि उन्होंने अक्षिता के चेहरे से वो मुस्कान छीन ली हो। जब अक्षिता हॉस्पिटल में थी तो बूढ़ी दादी उसे देखने हॉस्पिटल भी जाया करती थी, लेकिन दूर से। इस वक्त अक्षिता को किसी भी तरह की एक्सरसाइज के लिए मना किया गया था और चलने पर भी उसे पसीने आने लगते थे। इसके बावजूद उसने एक अच्छी सी स्माइल दी, जिसे देखकर दादी को बहुत अच्छा लगा। शायद अक्षिता इतनी बुरी नहीं थी जितना दादी ने सोचा था। दिशा की वजह से उन्होंने अक्षिता और अर्पित के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। दादी ने एक डिब्बा अक्षिता के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, जब तुम बीमार थी मैंने तुम्हें देखा था और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी दादी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था और शायद वो अर्पित को भी वापस पाना चाहती थी, क्योंकि अर्पित उन्हें काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रहा था। अक्षिता ने डिब्बा खोला, उसमें एक दवाई थी। अक्षिता को समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन वो बहुत ही कीमती था। वो एक हर्बल दवाई थी जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती थी। वो देखकर अक्षिता थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे पता था कि दवाई बहुत महंगी है। वो ये दवाई बूढ़ी दादी को वापस देना चाहती थी, लेकिन दादी ने उसे वहीं पर रोक दिया। दादी ने हंसते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी दादी जैसी हूँ, तुम इसे रख लो। दादी को डर लग रहा था कि कहीं अक्षिता वो दवाई वापस ना कर दे, इसलिए उन्होंने अपनी मेड से कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मेरे कमरे में छोड़ाओ। ये सुनकर उनकी मेड उन्हें तुरंत कमरे में छोड़ाई। आखिर ये दवाई देने के पीछे दादी का क्या मकसद था? आयुष सोच रहा था कि शायद अर्पित उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा, इसलिए वो अक्षिता के साथ अपना रिश्ता सुधार रही है। अक्षिता ने अपना सर हिला दिया। ये बात अर्पित भी जानता था कि आजकल वो दादी से ठीक से बात नहीं कर रहा है, इसलिए दादी को बुरा लग रहा है। लेकिन उसकी दादी भी तो उसकी मम्मी से ठीक से बात नहीं करती। उसे डर लगता था कहीं दादी उसको दूर ना कर दे। अर्पित ने देखा कि दादी किस तरह अकेले अपने कमरे में जा रही थी। ये सब देखकर उसको थोड़ा बुरा लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। आयुष ने देखा कि अर्पित का मूड कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और आयुष की माँ अक्षिता को अपने साथ ले गई। चलो अक्षिता, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक है? अक्षिता ने अपना सर हिला दिया और वो अपने कमरे में चली गई। अर्पित? अब कमरे में सिर्फ अर्पित और आयुष बचे थे। आयुष ने अर्पित का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया। क्या तुम अपने पापा से कुछ कहना चाहते हो? आयुष उसका पिता था। उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका बेटा ठीक है या नहीं, या उसके मन में क्या बातें चल रही हैं। इसलिए उसने अर्पित से बात करने की कोशिश की ताकि वो अपनी मन की बातें शेयर कर सके। मैं बहुत गुस्सा हूँ। जब दादी माँ हॉस्पिटल आई थी उन्होंने कहा था कि मैं मम्मी को छोड़ दूँ और फिर वो मेरे लिए दूसरी मम्मी लाएंगे। मैं जानता हूँ दादी मम्मी को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं मम्मी को नहीं छोड़ सकता, अर्पित ने कहा। ऐसे तो अर्पित एक बच्चा था लेकिन काफ़ी मैच्योर था। आयुष ने अपना सर हिलाया और कहा, अर्पित तुम जानते हो ना दादी तुमसे कितना प्यार करती है। आयुष की ये बात सुनकर अर्पित ने अपना सर नीचे कर लिया। तुम उनसे कुछ दिनों से ठीक से बात नहीं कर रहे, इसलिए वो थोड़ी नाराज़ हैं और वो जानती हैं कि उन्होंने गलत किया। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी को जो दवाई दी है वो कितनी अच्छी है, तुम्हारी मम्मी कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस बात से आयुष भी बहुत सरप्राइज था कि दादी ने उसे दवाई कैसे दे दी, क्योंकि वो दवाई सचमुच बहुत महंगी थी। दादी ने कभी वो दवाई किसी को नहीं दी थी। आयुष ने उम्मीद नहीं की थी कि वो अक्षिता को दे देंगी। तुम भी दादी की बातों को भूल जाओ, अर्पित ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन अगर कभी दादी मम्मी को निकालेंगे तो मैं भी घर छोड़कर भाग जाऊंगा। आयुष ने सर हिलाया। अर्पित ने आयुष से कहा, पापा मैं दादी के कमरे में जाना चाहता हूँ, क्या मैं जाऊँ? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसको लग रहा था कहीं अर्पित परेशान ना हो जाए, इसलिए वो दादी के कमरे में उसके साथ गया। अर्पित ने दरवाज़ा खटखटाया। दादी ने अंदर से आवाज़ दी, कौन है? मैं हूँ दादी, अर्पित ने जोर से आवाज़ दी और उसने दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद दादी अपनी कुर्सी पर बैठकर जब उन्होंने अर्पित को देखा तो बहुत खुश हो गई। आयुष को देखकर भी दादी को काफ़ी अच्छा लगा। आयुष की माँ अक्षिता को कमरे में ले गई थी और उससे बातें करने लगी। जब वो जा रही थी तो उन्होंने अक्षिता से कहा, अपना ध्यान रखना और ज़्यादा चलना नहीं, ठीक है? अक्षिता ने हंस के अपना सिर हिलाया। अक्षिता के कमरे में अक्षिता ने देखा कि आयुष खिड़की की तरफ देख रहा है और बाहर से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। अक्षिता कमरे में आई, आयुष ने उसकी आवाज़ सुनी। वो पीछे मुड़ा और उसने कहा, बात खत्म हो गई तुम्हारी? अक्षिता ने अपनी आंखें नीचे कर ली और वो बहुत सुंदर लग रही थी।